आज अपने सारे प्रोबेशनर्स के जो परफॉर्मेंस को इस मार्च पास्ट और क्विक मार्च के दौरान जो मैंने देखा है, मैंने यह अनुभव किया कि यह मेरा सौभाग्य था कि इस मार्च पास्ट सेरेमनी को देखने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। एक समय वह था जब सीआईएसएफ केवल सरकारी इमारतों की सुरक्षा करती थी और आज सीआईएसएफ ने तो वह ऊंचाई हासिल कर ली है कि जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं उनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवादी वारदात यदि कहीं पर हो जाती है तो आपने देखा होगा कि उसका प्रभाव, उसका असर लोगों के दिलों पर लंबे अरसे तक बना रहता है, चाहे वह 9/11 की घटना हो, चाहे 26/11 की वह घटना हो। आज भी उन आतंकवादी हमलों का असर लोगों के ऊपर दिखाई देता है, लोगों के चेहरे पर उसके एक्सप्रेशंस हमको दिखाई देते हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे सेना के जवान और हमारे सीआईएसएफ के जवानों को भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कोर कॉम्पिटेंस हासिल हो चुका है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं और मैं अपील करने की कोई जरूरत नहीं समझता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आतंकवादी वारदात किसी भी हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पर होगी और यदि आतंकवादियों ने निशाना बनाने की कोशिश की तो आप उनके हौसले पस्त कर देंगे, हमको पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। आतंकवाद का दूसरा स्वरूप है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म यह बहुत ही खतरनाक एक हालात इस हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में पैदा करने की यह कोशिश की गई है और इसके तहत हमलावर हमारे डिजिटल रास्तों से महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की बराबर वह कोशिश करते रहे हैं। और इसका भी मुकाबला करने के लिए मुझे खुशी हुई कि जब आपके डायरेक्टर जनरल श्री सुरेंद्र सिंह जी ने और आपके डायरेक्टर श्री अनिल कुमार ने बतलाया कि इस मामले में भी सीआईएसएफ के नौजवानों को प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है और आपने इस संबंध में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल कर लिया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।